अगर आप ये सोचे कि मैं 1 साल में 1 करोड़ कमा लूं, किताबें मेन है भाई, बिंद्रा साहब ने भी ना कहीं से तो पढ़ाई की ही होगी ना। गाइज वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग विच इज द बनिया फैमिली। तो इधर बीच क्या हुआ कि हम लोग बनारस भी होके आए और बस हमने ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ कारण थे जिस वजह से ब्लॉग नहीं बनाया, और आई होप कि सब चीज़ें अच्छी रहें। बट आज हम ब्लॉग बना रहे हैं और आज आनू सजी है सेंटा की तरह। आनू दिखाओ, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। आनू ये वाली टोपी दिखाओ, ये वाली टोपी इतनी अच्छी भी नहीं है, तो इसे तुम्हारे काम। वाओ ये तो बहुत ही सुंदर टोपी है, मैच भी कर रही है, और ये रख दे रही हूँ जो फोटो खिंचवाने। हाँ मैं पहना दूंगा अपनी। आनू टॉफीज दिखा दो, तुम कनिशा को कौन कौन सी टॉफी दोगी। और ये देखिए हमारा क्रिसमस ट्री बाहर आ गया है। थे कुछ घर में प्रॉब्लम्स थी और जिस वजह से हमें बनारस भी जाना पड़ा। आप लोगों के कृपा से और ब्लेसिंग से वो प्रॉब्लम्स ठीक हैं इस समय और चीज़ें बेहतर हैं। तो हम लोग वापस आ गए और हमने शुरू किया, और बनारस जाने से एक दिन पहले मेरा बैचमेट है सांगली का, वो भी आया था, देखिए उससे क्या बात हुई। तो ये है स्वप्निल, ये आर्मी में है, मेजर स्वप्निल नाम है इनका। और कैसे हो स्वप्निल? कितने साल बाद हम लोग मिल रहे हैं? 10 साल बाद। तो तुम उनको जानते हो, राहुल गुप्ता सर को? एक हमारे सीनियर थे राहुल गुप्ता सर, सहज सर थे ना, सहज त्रंबड़िया। सहज बताए, सुना सहज। तो सहज सर के बैचमेट थे वो, और वो भी लखनऊ में ही है अभी, तो उनसे भी मैं भी रिसेंटली मिला था। अच्छा बताओ लाइफ कितनी चेंज हो गई? मतलब कॉलेज से अब मैं तुम्हें क्या डिफरेंस लगता है अपनी लाइफ में? अभी तो वी हैव ऑल ग्रोन अप, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। पहले जो थे जैसे कॉलेज में कुछ अलग ही सीन था ना, वी आर एडल्ट्स नाउ, हमारे बच्चे हो गए। सही बात है, सही बात है। व्हेन वी लुक बैक एट दोस डेज, थोड़ा सा ना वो हो जाता है। तो स्वप्निल जो है ना अब रिक्रूटमेंट करता है आर्मी में, और ये जो अग्निवीर है इनका फिटनेस यही करता है। तो भैया इसे, और ये बहुत सख्त लौंडा है, और इसके सामने जो है आप पौआ चलता नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे भी अग्निवीर बना दो, तो बोला कि पहले वजन कम करो तब अग्निवीर बनोगे। आनू सेंटा की तरह बनी थी, तो मैंने भी सोचा मैं भी सेंटा की तरह बन जाता हूँ। तो मैंने भी अपनी लाल वाली जैकेट डाल ली, और आज ठंड ज़्यादा है। आज सुबह लखनऊ में कोहरा था, कोहरा अब भी है लेकिन धुंध छाई हुई है थोड़ा, मतलब जहाँ पेड़ वेड़ ज़्यादा है वहीं पे कोहरा है इस बार। तो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम ठंड पड़ेगी, जितनी हर साल पड़ती है उससे कम पड़ेगी। नहीं तो अब तक तो दिसंबर में पारा एक बार ज़ीरो तो पहुंच ही जाता था यहाँ पे, लेकिन इस बार नहीं पहुंचा। और मतलब बिल्कुल भी ठंड इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटर्स और इनर्स पहनने पड़े, है ना, ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो गाइज मैं दिन भर का काम करके घर लौट रहा हूँ। ये आनू के स्कूल में मिला होगा, वो कार में छोड़ गई थी तो मैं ले आया, तो मैं घर आ गया हूँ। और आज जो काम है बहुत ज़्यादा, चलो स्लाइम ढूंढे।
तो आनू मुझे पकड़ के लाई है कि चलो पापा स्लाइम ढूंढो, स्लाइम, और देखिए खुद क्या कर रही है, मेरी चप्पलों में चल रही है, अभी उतार दी इसने तुरंत। हाँ ये देखो, ये तो नहीं है स्लाइम। स्लाइम कहाँ है आनू तुम्हारा? हाँ स्लाइम कहाँ गया? उधर ढूंढे आनू, यहाँ तो सब तुम्हारी बुक्स और कलर्स हैं, यहाँ पे तो नहीं है। कलर्स देखिए कितने सारे हैं इसके पास। हाँ हाँ पेन्स भी है। ये वाली पेन कहाँ से आई? ये वाली तो बहुत ही सुंदर पेन है, ये कहाँ से आई? नानी, नानी ने दी। ओ जब तुम बनारस गई थी तो नानी ने दी थी तुमको। इसमें कौन कौन से कलर हैं बता दो। पिंक है। और ये कौन सा कलर है? हाँ, और ये नहीं, पिंक वाला बता। पिंक है, और पिंक के बगल में कौन सा है? ग्रीन। और ग्रीन के बगल में? ऑरेंज। ऑरेंज के बगल में? येलो। और येलो के बगल में? रेड। और रेड के बगल में? ब्राउन। ब्राउन। और ब्राउन के बगल में? ब्लू। वेरी गुड आनू, तुम्हें तो सारे कलर्स पता है, हैं? सबके सब पता है। ब्लू के बाद? ब्लू के बाद? ब्लू। तो गाइस आनू सो गई है, और मैंने सोचा कि आज मैं ये अपॉर्चुनिटी ले लूं कि आपने इंटरनेट पे सुना ही होगा संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैं अपने मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। सबसे पहला ये है कि आप आसान तरीका मत चुनिए पैसा कमाने का, यही मेन है। जहाँ आपने आसान तरीका चुना वहाँ आप डूबेंगे, और जहाँ आपने मेहनत का तरीका चुना वहाँ आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। बस यही समझना है। अगर आप ये सोचें कि मैं एक साल में 1 करोड़ कमा लूँ, कभी नहीं कमा पाएंगे और आप ख़राब हो जाएंगे। और आप ये सोचेंगे कि मैं किस तरह किसी और का फ़ायदा कर दूँ और थोड़ा कम पैसा कमाऊँगा, लेकिन वो रिलेशनशिप जो है ना वो लॉन्ग टर्म चलेगा, तब आप ज़्यादा पैसा भी कमा पाएंगे, इज्जत भी कमा पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं बहुत स्कीम्स बेचते हैं कि आप आज यहाँ पैसा लगा दो और फिर 2 साल बाद ये डबल हो जाएगा, तो ये डबल नहीं होगा कभी, क्योंकि पता नहीं वो स्कीम कितने दिन चले। और जब आप इस तरह की हायरार्की में फंसते हैं ना, जिसमें बेचोगे तो कमीशन मिलेगा, ये करोगे तो कमीशन मिलेगा, कमीशनबाजी में फंसते हो ना, तो उसमें जो सबसे टॉप वाले लोग होते हैं ना, जो शुरू करते हैं, वो तो खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन जो आखिर वाले होते हैं वो कभी पैसा नहीं कमाते, क्योंकि उनमें जो कन्विंसिंग पावर होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, और सामने वाले बंदे को पता चल चुका होता है कि भाई ये जो स्कीम है ये फ्रॉड स्कीम है, ये स्कैम है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। ठीक है ना? तो आप हमेशा कोशिश करिए कि मेहनत वाला रास्ता चुनिए, जिसमें चाहे थोड़ा कम पैसा हो लेकिन वो पक्का पैसा होगा, आप कभी परेशान नहीं होंगे और कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसमें बस ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कि आप कंसिस्टेंटली करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब जैसे वो बिंद्रा साहब का है, विवेक बिंद्रा साहब का, उन्होंने क्या किया कि वो 50,000 में MBA करा रहे हैं, है ना? अब आप खुद सोचिए कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस से MBA कर रहे हैं, क्या वो गधे हैं? वो उनसे जाके MBA कर ले? या हम लोग जो MBBS की पढ़ाई करी, MD की पढ़ाई करी, वो बिंद्रा जी से जाके सीख लें? ऐसे नहीं होता है, ठीक है? ये गलत बातें सिखाना बंद करें सब लोग, ठीक है? आज देखिए आप कोई बात कर लीजिए, आप जैसे मान लीजिए आजकल क्या होता है, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स में ये AI का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ रहा है। उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई बात कर रहे हैं, आज आप कार की बात कर रहे हैं, है ना, या कोई कोर्स लर्न करने की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा आपको वही चीज़ें दिखाने लगेगा। आप जब फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होंगे या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होंगे तो वही रीलें दिखाएगा, वही चीज़ें दिखाएगा। तो इन सब स्कैम में ना फंसे। एफिलिएट मार्केटिंग वाली जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर अच्छी नहीं होती हैं, उनमें ना फंसे, और कोशिश करें कि आप अपने विवेक से चीज़ों को चुनें और करें, ताकि अगर आपको नुकसान भी हो तो वो आपका खुद का नुकसान हो।
और आपको बुरा नहीं लगेगा, है ना। अब वो हजारों करोड़ रुपए कमा लिए और अब पता नहीं है नहीं है, अपनी स्कीमें बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन आप अपने जो भी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको संभाल के रखें, उनको इन सब स्कीमों में ना फंसाएं, किताबों का सहारा लें। किताबें मेन है भाई, बिंद्रा साहब ने भी ना कहीं से तो पढ़ाई की ही होगी ना, किताबें पढ़ी ही होंगी, तब उन्होंने जो शॉर्टकट वाली चीज़ें होती है ना किताब में, जो हम लोग मार्क कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में आएंगी, बस वो शॉर्टकट वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बाकी सब छोड़ दे रहे हैं, फंडामेंटल्स नहीं है उसमें कि पैसा कैसे आएगा, पैसे की हैंडलिंग कैसे होगी, आप उसको खर्च कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। सिर्फ कमाओगे कमाओगे ये बता रहे हैं, कब कमाओगे ये नहीं बता रहे, ठीक है ना। तो इन सब चक्करों में ना आए। मतलब मैं किसी चीज़ को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा अपने विवेक से चुने और ऐसे माया जाल में ना फंसे। आप खुद कर सकते हैं और बेटर इंस्टीट्यूशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस जो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, उन्हीं से पढ़ें और उन्हीं से अपने को आगे बढ़ाएं, तभी फ़ायदा है। तो आई होप गाइज आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, और डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ द बनिया फैमिली। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।